छिंदवाड़ा कलश यात्रा में बड़ी संख्या में युवा वर्ग आया हुआ है, तो छिंदवाड़ा में पहली बार महाराज जी की कथा हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और शहर में कैसा माहौल है? बहुत खतरनाक माहौल है शहर का। कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत ज्यादा। और आप कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा से। कैसा लग रहा है? बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है कमलनाथ जी द्वारा। और एक भाई हमारे बीच आया, कहाँ से चल के आए हो? बैतूल से। बैतूल से? बैतूल से। तो पैदल आए हो क्या बैतूल से? नहीं, गाड़ी से आए। गाड़ी से आया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहाँ से आए हो? लोधीगढ़ा सौसर। अच्छा, तो कितना विश्वास है बागेश्वर धाम सरकार में? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। आज इतने बड़े हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम उनके कार्यक्रम में और उनके कथा में आए हैं, ऐसा महसूस नहीं हो रहा। और बहुत सब में बहुत खुशी है, और मैं चाहता हूँ हर हिंदू को जोड़ने के लिए इतने दूर जिन्हें भी लाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात आप सब लोग बताइए, बागेश्वर धाम सरकार की जो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है उस पर आप सब क्या कहेंगे? बहुत सही, सही धारा है उनकी, सही सोच है उनकी इस चीज के लिए। तो क्यों ना कुछ जोर से नारा लगाया जाए। रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, भारत में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा।